वियो, सो अगर आप एक परफेक्ट ड्रिफ्ट मशीन बाय करना चाहते हैं या तो 50 लैक्स के अंदर एक अच्छी सिडान और साथ ही साथ पावरफुल सिडान बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हीं व्यूअर्स के लिए है। और बेसिकली ये वाली पाकिस्तान की एक ऐसी गाड़ी है जो कि मोस्ट पावरफुल सिडान में आती है। आते हैं इस गाड़ी के नाम की तरफ, तो ये है टोयोटा मार्क। ये वाली गाड़ी 2007 मॉडल है, 250G वेरियंट है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया है 300G वेरियंट में, यानी कि ये वाली गाड़ी 3000cc में आती है। तो आज की वीडियो में आपको इस गाड़ी की प्राइस और डिटेल लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो जी रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों ये लेकर आए आपके लिए टोयोटा मार्क एक्स, ये वाली जो कि गाड़ी है ये 250G वेरिएंट है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया है 350G वेरिएंट में। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई है, तो आपको यही चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इंजन की तरफ आ जाते हैं। इंजन आपको दिया गया है वो 3000cc V6 इंजन दिया गया है, 246 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं और 318 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोलिक स्कर्ट्स भी दिए गए। ये वाली गाड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस है पाकिस्तान में और ये वाली मार्क एक्स लवर्स के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। व्यूअर्स, इस गाड़ी के जो कि पाकिस्तान में प्राइस है वो 48.5 लाख रुपीज प्राइस है। अगर ये वाली गाड़ी कोई बाय करना चाहते हैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाली गाड़ी जिन्होंने मुझे प्रोवाइड की है BR ऑटोमोबाइल खाली बिन वलीद रोड पे। अगर आप ये वाली गाड़ी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये वाली गाड़ी यहाँ पे आप आके विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसा कि आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक देखते हैं तो फ्रंट पे आपको एक पार्किंग लाइट्स में मॉडिफिकेशन नजर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू लाइट्स इसमें दी गई है और बाकी इसमें आपको LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिलेगा। फ्रंट पे आप गाड़ी की ग्रिल देख सकते हैं, आपको ये ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलेगी और साथ ही साथ ये वेंटिलेशन, इंजन की वेंटिलेशन के लिए आपको ऑप्शन दी गई है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन आपको इस तरफ बॉर्डर पे आपको एक क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। गाड़ी का जो कि फ्रंट डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बंदे को अट्रैक्ट करता है जब गाड़ी आगे से आती है। साइड प्रोफाइल पे आपको गाड़ी के सबसे पहले अट्रैक्ट जो चीज़ करती है वो अट्रैक्ट ये चीज़ करती है जो कि गाड़ी के अलॉय व्हील्स है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेगी जो कि इस गाड़ी की ब्रेक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इसमें रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी नज़र आते हैं। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए गए। बाकी इसकी अलॉय व्हील साइज़ की तरफ आ जाए तो ये आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स मिल। साइड पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, साथ आपको टर्न सिग्नल ऑप्शन और साथ ही साथ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइनअप मिलेगी। ऊपर आपको विंडशील्ड भी लगी हुई नज़र आती है और साथ ही साथ आपको क्रोम की लाइनअप नज़र आती है। सनरूफ इस गाड़ी में दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम के डोर हैंडल्स मिलेंगे, साथ ही साथ कीलेस एंट्री ऑप्शन आएगी जो कि 2 डोर्स में आती है। बैक पे एक और चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो यहाँ पे आपको ये जो कि स्पॉइलर इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया वो गति, बाकी गाड़ी में आपको डीफोगर मिलते हैं। करके आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलेंगे देख सकते हैं आप। बाकी अब इसकी आपको बूट ओपन करके दिखाते हैं। बटन आपको एक मिलता है, बटन से आप गाड़ी की बूट को ओपन कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसकी कुछ बूट इस तरह से मिलती है। देख सकते हैं इसमें 300 की बैजिंग की गई, लेकिन ये वाली 250G है, इसको कन्वर्ट किया गया 300G में प्रीमियम में। बाकी अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखते हैं यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है। गाड़ी के इंटीरियर में जाने से पहले आपको डोर की तरफ दिखाया तो यहाँ पे आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको वुड की गार्निश मिल जाती है। गाड़ी में आपको ऑटो विंडोज मिलेगी, टोटली 6 स्पीकर्स दिए जाते हैं। लेदर सीटिंग नहीं मिलती, ये आपको फैब्रिक की सीट्स दी जाती है, बाकी ये सॉफ्ट फैब्रिक दिया गया है। रेयर पे AC वेंट्स मिल जाएगी, एस्ट्रिक ऑप्शन मिलेगी, बाकी सनरूफ आपको भी ओपन करके दिखाएगी। रूम स्पेस आप देख सकते हैं गाड़ी की बिल्कुल सीट मैंने बिल्कुल पीछे की हुई है, फिर भी आपको रूम स्पेस बहुत ज़बरदस्त से इस गाड़ी में दी जाती है। गाड़ी पे ड्राइवर डोर देखते हैं तो ड्राइवर पे आपको यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स ऑप्शन मिलेगी, साथ ही साथ आपको एडजस्टेबल ऑप्शन दी जाती है। बाकी और विंडोज़ आपको ऑटो में मिल जाती है, विंडोज़ के कंट्रोल। दोस्तों जैसा कि इंटीरियर पे आए तो आपको यहाँ पे मार्क एक्स की वेलकम लाइट भी मिल जाती है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6-way इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती है और साथ ही साथ व्हील लंबा सपोर्ट ऑप्शन। इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे हुड ओपनर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, AFS ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है विच इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसा कि आप गाड़ी के इंटीरियर देखते हैं तो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी बनाया गया है। अभी इस पहले मैं गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो आप पहले स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाए तो स्टीयरिंग व्हील आप गाड़ी का देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि वॉल्यूम को अप एंड डाउन ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे आपको मोड्स के कंट्रोल मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे कॉल को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने ऑप्शन मिलती है। स्पीडोमीटर की तरफ आते हैं तो स्पीडोमीटर आपको 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर मिलेगा। गियर शिफ्टिंग ऑप्शन आपको दिखाएगी, माइलेज दिखाएगी, कंप्लीट ट्रिप ट्रोनिक ऑप्शन आपको बता रहे हैं। ये वाली गाड़ी अभी जो एवरेज दे रही वो 8 किलोमीटर की दे रही है। आपको सनशेड ओपनर मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको रेयर पर दिखाऊँ तो आप रेयर पर देख सकते हैं बटन से मैं इसके सनशेड को ओपन किए। बाकी आप वापसी इसको क्लोज कर लेते हैं,
देख सकते हैं ये ऑटो में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ आए तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग, यहाँ पे आपको हेजलाइट ऑप्शन, दो एयरवेंट्स मिलेंगे। यहाँ सेंटर कंसोल पे आपको एक मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलेगी जो रिवर्स कैमरा सपोर्ट करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का रिवर्स कैमरा ये डायनेमिक ग्रिल लाइन्स के साथ आता है। मैं आपको दिखा दूँ डायनेमिक ग्रिल लाइन्स है इसमें। बाकी आप इस तरफ देखते तो रेयर पे डिफोगर ऑप्शन ऑन करने की, टेम्परेचर के यहाँ भी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे फ्रंट पे जो कि डिफोगर्स है उस तरफ वाले वो वाला बटन मिल जाते हैं। इस तरफ आप देखते साथ आपको स्पोर्ट और नॉर्मल मोड भी मिलते हैं, सनशेड ओपनर और साथ स्पोर्ट नॉर्मल मोड भी मिल जाते हैं। इस तरफ कंप्लीट ऑप्शन आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको जो कि डिस्क कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं। इस तरफ देखते तो यहाँ पर लाइटर और एस्ट्रे ऑप्शन, इस तरफ देखते तो आपको जो कि पावर मोड और स्नो मोड है वो भी मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको पैडल शिफ्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे आपको प्लस माइनस ऑप्शन दी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टू कप होल्डर है, ये आपको वुड की गार्निश मिलती है, यहाँ पे आपको एक ग्रे टच मिल जाती बहुत सी लेदर स्टिचिंग में, एंटी डिमिंग मिरर यहाँ पे मिल जाता है। टोयोटा की हर गाड़ी में आपको यहाँ पे सनग्लासेस ऑप्शन मिलेगी, लाइट्स के कंट्रोल, सनरूफ आपको दिखा देते सनरूफ। बाकी अगर आप इसकी ओपन करना चाहते तो सनरूफ को भी आप ओपन कर सकते हैं, बाकी बटन में प्रेस करूं तो ओपन हो जाएगी, बटन को क्लोज करूं वापसी सनरूफ इसकी क्लोज हो जाएगी। आप सनशेड गाड़ी का देखें, लाइट वाला मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाती है। वहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स करना चाहिए उस डोर पे भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सीट से जो कि 6 पे एडजस्टेबल है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।